चलिए जी, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको काफ़ी कुछ पढ़ाया था, और लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था एक बार मैं आउटलाइन दे देता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाए थे बच्चों टाइप ऑफ फंक्शन। लास्ट क्लास की जो टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ फंक्शन। बड़ी ज़ोरदार क्लास थी लास्ट की, है ना, और हमने पढ़ा था उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन। देर ना करते हुए मैं बता देता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ाया था टाइप्स ऑफ फंक्शन में। टाइप्स ऑफ फंक्शन में मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था इंजेक्टिव। इंजेक्टिव, इंजेक्टिव का मतलब होता है वन वन, वन वन। तो मैंने कहा था वन वन प्रूफ करने के लिए क्या रूल रहेगा। वन वन प्रूफ करने के लिए मानोगे कि लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, और एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेने पर अगर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाता है तो ये फंक्शन कहलाएगा इंजेक्टिव। ये कहलाता था वन वन। दूसरा टाइप का फंक्शन मैंने क्या पढ़ाया था, दूसरे टाइप का फंक्शन मैंने पढ़ाया था सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव का नाम था बच्चों ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का मतलब मैंने क्या बोला, सारे छा गए। तो ये था सेट ए और ये था सेट बी। अगर यहाँ के सारे एलिमेंट है ना, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, अगर कोडोमेन पूरी की पूरी रेंज में आ जाती, मतलब सारे एलिमेंट यदि यहाँ के पापा बन जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते थे, ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या था, कोडोमेन जो था वो क्या बन जाता था, रेंज बन जाता था। तो अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल है तो वो फंक्शन ऑन टू कहलाएगा, ठीक है ना। और तीसरे वैरायटी का जो फंक्शन आया था वो क्या था, वन वन ऑन टू। वन वन प्लस ऑन टू मतलब इंजेक्टिव, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, और इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव को मिला करके हमने क्या बोला था, बाइजेक्टिव। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, मतलब वन का वन से रिलेशन और ऑन टू मतलब इधर सारे के सारे पापा बन गए हों, तो ऐसे फंक्शन को हम वन वन ऑन टू फंक्शन कहते हैं। और आपको हम बता देते हैं बच्चों एक बात कि ओनली, ये कॉपी में लिख लो, ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन, फंक्शंस आर इन्वर्टिबल। केवल बाइजेक्टिव फंक्शन ही इन्वर्टिबल होते हैं। ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन आर इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स करने योग्य, जिनका इन्वर्स हो पाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन ही इन्वर्टिबल होते हैं। अब आप कहोगे सर क्यों बाइजेक्टिव फंक्शन ही इन्वर्टिबल क्यों होते हैं, क्योंकि बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चों, वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू। अब समझना, मैं एक बहुत ज़ोरदार एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये आपके पास एक फंक्शन है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये वन वन है और ऑन टू भी है। देखिए, हाँ, ए के पापा ई, बी के पापा एफ, सी के डैडी जी हैं और डी के डैडी एच हैं, और इस फंक्शन का नाम है एफ। बच्चों जब मैं इसको पलटूंगा तो देखो पलटने के बाद तुमको क्या मिल जाएगा, पलटने के बाद जो रेंज है वो बन जाएगी डोमेन, और जो डोमेन है वो बन जाएगी रेंज, क्योंकि उल्टा फंक्शन पीछे से इधर की तरफ आएगा, ये कहलाएगा इन्वर्स फंक्शन। तो मैं बना रहा हूँ इन्वर्स फंक्शन, ये कहलाएगा एफ इन्वर्स, उल्टा फंक्शन। अभी बेटे से पिता का पता चला है, अब उल्टा ई यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ गया, जी यहाँ आ गया, एच यहाँ आ गया। तो ई का कनेक्शन किसके साथ हो गया यशराज, ए के साथ। एफ का कनेक्शन बी के साथ, जी का कनेक्शन सी के साथ, और एच का कनेक्शन डी के साथ। बोलो आया समझ में, बोलो समझ में आया। यस सर। निशांत माइक ओपन करो। तो ये कहलाएगा एफ इनवर्स, ऐसे फंक्शन को बोलेंगे अपन इनवर्स फंक्शन। तो ये इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। मुस्कान समझ में आया, निशांत कहाँ चले गए तुम? यस सर। निशांत, तो ये जो फंक्शन है, लिप कर दिया, ये फंक्शन जो है इनवर्स फंक्शन है। अब देखो ये वन वन है, इसमें इनवर्स होने में कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ पे है, अब देखो आखिर दिक्कत क्या है। अगर वन वन ना होता तो मैंने लिख दिया ये, अगर
वन वन ऑन टू ना होता, अगर वन वन ऑन टू ना होता तो क्या होता? देखो भैया, वन वन ऑन टू ना होता तो क्या होता? ए बी सी डी ई, वन टू थ्री फोर। चलो ये देखो, देख लिया फंक्शन आपने, ये है। मान लो बच्चों, ए का कनेक्शन बी का कनेक्शन वन के साथ है, मतलब ए के पापा वन, बी के पापा वन, इवन सी के डैडी भी वन ले लो आप। चलो अब डी के डैडी थ्री ले लो और ई के डैडी फोर ले लो। ये देखिए, ये कैसा फंक्शन है यार, ये सीधा फंक्शन है एफ। अब मैं इसका इन्वर्स फंक्शन बनाऊंगा तो क्या होगा? आप बोलोगे सर वन टू थ्री फोर यहाँ रख दो, वन टू थ्री फोर बन जाएगा सर डोमेन, और ये आपका बन जाएगा सर कोडोमेन। कौन? ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। अब देखो, अब इन्वर्स फंक्शन के रूप में कितनी बड़ी दुर्घटनाएं होंगी। वन के साथ कनेक्ट कौन होगा? ए बी सी। तो वन के साथ मैंने ए को कनेक्ट किया, वन के साथ बी को, और वन के साथ सी को। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे हो गया एक बेटा और उसके तीन पापा हो रहे हैं, ये देखिए। फिर दो का कोई पापा नहीं है, ये देखो भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर तीन का कनेक्शन डी से है और चार का कनेक्शन ई से है। बताओ बच्चों, क्या ये फंक्शन है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है फंक्शन? नो सर, नहीं है। इसलिए अगर किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन डिफाइन होना चाहते हो तो उस फंक्शन को वन वन ऑन टू होना पड़ेगा, मतलब बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। तो कॉपी में लिख लीजिए, ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टिबल। मतलब केवल बाइजेक्टिव फंक्शन ही इनवर्स देते हैं, जिनका इन्वर्स हो सकता है। केवल बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव मतलब वन वन ऑन टू ही इन्वर्स देते हैं। क्यों? उनका सीधा रूल रहता है, एक का बदला एक से रहता, सीधे सीधे। तो चाहे इधर से जाओ तो एफ देते हैं, और इधर से इधर की आओ तो क्या देते हैं? एफ इन्वर्स। और किसी भी प्रकार के रूल्स का वॉयलेशन नहीं होता है अगर आपके पास जो फंक्शन है वो वन वन ऑन टू है। तो वन वन ऑन टू यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स पॉसिबल है। अब आइए अपनी अगली एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 6.1.2। एक्सरसाइज पे आ जाओ, 1.2 एक्सरसाइज पे आ जाइए, 1.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर वन पढ़ता हूँ मैं। शो दैट द फंक्शन एफ आर प्लस है। बेटा यहाँ एक्चुअली आर प्लस टू आर प्लस होगा। हाँ, शो दैट द फंक्शन, थोड़ा बुक अगर ओपन कर लेना भाई, किसी के पास बुक हो। आई थिंक यहाँ पे आर टू आर नहीं होगा, हाँ आर प्लस है, वो लिखा है यहाँ पे आर प्लस, एक्चुअली आर प्लस है। शो दैट द फंक्शन एफ आर प्लस टू आर प्लस डिफाइंड बाई द एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स इज वन वन ऑन टू, वेयर आर प्लस इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। तो आर प्लस का मतलब क्या है बेटो? नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर। नॉन जीरो नहीं, पॉजिटिव नहीं कहलाएगा, नॉन जीरो रियल नंबर। तो यहाँ पे आर स्टार जो इन लोगों ने बोला है वो है नॉन जीरो रियल नंबर। मतलब आपको जीरो नहीं लेना है इनपुट में, आर की वैल्यू आपको जीरो, कोई कुछ भी जीरो नहीं लेनी है, है ना। वेयर आर, आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, इज द रिजल्ट बी इट ट्रू। कह रहा कि क्या ये वन वन ऑन टू है, क्या ये ट्रू होगा? इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाई एन विथ को डोमेन बींग सेम आर प्लस। अब समझना अच्छे से भाई, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अभी तो आपके सिर के ऊपर से निकल गया होगा कि भैया ये क्या क्या बोल गया। अब मैं एक एक चीज आपको समझा रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है भाई, सबसे पहले दिया क्या गया, गिवेन। लिख लो अपनी कॉपी में गिवेन, गिवेन। एक फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? ए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर प्लस टू आर प्लस, ए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार स्टार। अब भैया ये क्या होता है बेटा? बेटा मेरे ये होता है डोमेन, डेट द डोमेन। और ये क्या होता है बेटा? ये होता है को डोमेन। एक होता है डोमेन और दूसरा होता है को डोमेन। तो एक होता है डोमेन और दूसरा होता है को डोमेन।
तो डोमेन क्या है यहाँ पे, डोमेन क्या है यहाँ पे, डोमेन है आर स्टार। आर स्टार का मतलब क्या है, नॉन जीरो, नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, एक एक लाइन समझनी पड़ेगी तब बनेगा ये क्वेश्चन। आर स्टार का मतलब ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब इनपुट में जीरो नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। तो देखिए जी क्या है, कैसी बनेगी व्यवस्था। ये आपके पास है डोमेन सेट ए और ये आपके पास है डोमेन सेट बी। इनपुट में बस जीरो नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। जीरो नहीं होगा, बाकी हर एक चीज होगी। नीचे माइनस इन्फिनिटी से लेकर के ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक होगा, इधर नीचे माइनस इन्फिनिटी से लेके ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक होगा, बट जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डोमेन में लिख रखा हो क्वेश्चन ने कि जो डोमेन है वो भी आर प्लस है और जो रेंज है आर स्टार, और आर स्टार जो है वो क्या है, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। चलिए अब आइए फंक्शन से मुलाकात कर ली जाए। भैया फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है बेटा एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स। एफ एक्स को तत्काल ले लिया करो बच्चों, एफ एक्स को ले लिया अपन ने वन बाई एक्स, ठीक है ना। इसको आप वाई भी लिख सकते हो, इसी को एफ एक्स को अपन वाई बोलते हैं, वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स। चलिए अब देखते हैं वन वन है कि नहीं है, वन वन है या नहीं है। हाँ देखिए बच्चों, हम क्या लेते हैं, वन वन चेक करते हैं कि वन वन है या नहीं है। तो वन वन के लिए मैंने क्या बताया था, लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। बच्चों यहाँ तक समझ में आया कि उड़ गया, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। यस सर। हाँ अब आपने दो पॉइंट ले लिए हैं, एक एक्स वन ले लिया है, एक एक्स टू ले लिया है। तो आपने माना एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो एफ एक्स वन कितना निकलेगा बेटा यहाँ से, वन अपॉन एक्स वन, और एफ एक्स टू क्या निकला बेटा यहाँ से, वन अपॉन एक्स टू। तो एफ एक्स वन, वन अपॉन एक्स वन इक्वल टू वन अपॉन एक्स टू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई पर क्या आ जाएगा, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। और यही शर्त थी वन वन की, कि अगर दो आउटपुट इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब इनसे कनेक्टेड जो दो इनपुट होंगे वो भी एक ही होंगे। आपकी नज़रों का धोखा रहेगा, वो दोनों एक रहेंगे। तो भैया एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया, मतलब एफ इज वन वन। तो देखते हैं शीट में बच्चों, पहली चीज़ देखते हैं। देखिए गिवेन द फंक्शन आर स्टार टू आर स्टार इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स। ये एक्स इक्वल टू वाई ले लेते हैं, मैं एक्स की जगह एक्स वन ले लेता हूँ और एक्स की जगह एक्स टू ले लेता हूँ। तो वन अपॉन एक्स वन इक्वल टू वन अपॉन एक्स टू, यानी एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, इसका मतलब एफ इज वन वन। क्लियर की नॉट क्लियर? यस सर क्लियर। हाँ क्लियर हो गया। अब देखिए देखते हैं ऑन टू है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। अब ऑन टू के बारे में देखते हैं। जय भैया महाराज, आवाज़ निकाल दिया करिए कृपया, बीच में बोल दिया करिए। हाँ सर समझ में आ गया। जय, ओ जय यार बोलते ही नहीं हो यार। क्लास में हो जय? यस सर। तो क्यों नहीं बोल रहे हो यार? सर अभी लीव हो गया था सर। अरे यार किसकी फोन आ गया क्या? नो सर, नेटवर्क डिस्टर्ब। चलो देखो वो वन वन, वन वन का केस समझ में आया कि नहीं आया? वन वन का केस समझ में आया कि नहीं आया? No, नहीं आया। देखो फिर से बेटा, वन वन के लिए क्या करते हैं, वन वन के लिए क्या करते हैं कि एक्स वन और एक्स टू दो पॉइंट ले लेते हैं, एक्स वन और एक्स टू दो पॉइंट ले लेते हैं, और वन वन में ये देखते हैं कि ये एक ही से एक कनेक्टेड है। तो वन वन में ये आएगा एफ एक्स वन इसका आउटपुट, और ये आएगा एफ एक्स टू, और हम कहेंगे कि अगर दो आउटपुट इक्वल हैं तो इसका मतलब दोनों के इनपुट भी इक्वल होंगे, तभी तो वन वन होगा ना बेटा। अगर दोनों ये आउटपुट इक्वल होंगे तो ये इनपुट भी इक्वल होने चाहिए। तो हमने क्या किया क्वेश्चन में, हमने दोनों आउटपुट इक्वल लग करके देखे, मतलब एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स वन की वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन एक्स वन, और एफ एक्स टू की वैल्यू वन अपॉन एक्स टू। तो सॉल्व करके आएगा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। समझ में आया आप?
यस सर, तो यस सर, अगर दो आउटपुट इक्वल होने पर दो इनपुट भी इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब वन वन, मतलब अगर यहाँ पे चीज़ें रिपीट होंगी तो यहाँ पे वो दोनों रिपीट हो जाएंगी, मतलब दोनों एक ही कहलाएंगी, इसका मतलब वन वन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर, हाँ यस सर, ये कहलाएगा वन वन। अब दूसरा प्रूफ करना है ऑन टू, ऑन टू प्रूफ करना है कि भैया ऑन टू कैसे होगा, ऑन टू हमें प्रूफ करना है। देखो बेटा, वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स है कि नहीं है? अरे भैया मेरे फंक्शन क्या दिया गया है, फंक्शन दिया है वन अपॉन एक्स, हाँ या ना? यस सर। ओके बेटा, एफ एक्स को मान लो वाई, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई ले लो, तो बन गया वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, बोलो हाँ। यस सर। अब बहुत अपना दिमाग जितना खोल सकते हो खोल लो, रियल नंबर में ये होता माइनस इन्फिनिटी, ये होता इन्फिनिटी और ये होता है जीरो। हमको जो डोमेन दी गई है, हमको जो डोमेन दी गई है वो दी गई है आर स्टार, यानी कि ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो। क्वेश्चन में ये लिखा, आप चाहें तो पढ़ लें, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, हाँ या ना? यस सर। हाँ जी बिल्कुल सही, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है भैया। अब ये बताओ मेरे को हर्ष, यश ये बताओ कि अगर मैं x की पॉजिटिव साइड की वैल्यू रखूँगा, इधर की वैल्यू अगर मैं x की पॉजिटिव रखूँगा तो y इज इक्वल टू वन अपॉन पॉजिटिव, वन अपॉन पॉजिटिव, तो x की पॉजिटिव वैल्यू रखने पर मेरे को y पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर मिलेगा। ओके और x की नेगेटिव वैल्यू रखने पर मेरे को y नेगेटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर नेगेटिव। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर x ग्रेटर देन जीरो y इज ग्रेटर देन जीरो। यस सर। फॉर x मैंने ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव मिलेगा, और x अगर लेस देन जीरो है तो y भी क्या मिलेगा, लेस देन जीरो। एक्स अगर नेगेटिव है तो वाई भी क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस ठीक है ना, वाई भी क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ओके और सुनो, डोमेन क्या दिया गया है यश बताओ? आर दिया है ना, आर टू, आर टू दिया है भैया, अच्छे से, आर माइनस जीरो है, क्या है डोमेन? आर माइनस जीरो। हाँ वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, फंक्शन है कि नहीं है? यस सर। सो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, वन अपॉन वाई, वाई फॉर डिफाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, अगर आप चाहते हो कि एक्स की आपको वैलिड वैल्यू मिले तो बताइए वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो की नॉन जीरो? नॉन जीरो। हाँ वाई की वैल्यू नॉन जीरो, मतलब y बिलोंग्स टू r माइनस जीरो, यस और नो? यस। हाँ y बिलोंग्स टू r माइनस जीरो। जय तुम यस नहीं बोल रहे हो, मुझे बहुत डिसकॉन्फिडेंट फील हो रहा है। यस सर। हाँ y मतलब r माइनस जीरो नॉन जीरो, यस तभी बोलना जब समझ में आए, नहीं तो पूछना, जबरदस्ती नहीं है बेटा। y मतलब r माइनस जीरो, ध्यान से देखो, मतलब अपनी जो रेंज आई, y मतलब रेंज, तो रेंज अपनी कितनी आ गई बच्चों, रेंज आ गई है आर माइनस जीरो। अब जो आपका फंक्शन डिफाइन था, ध्यान से देखो कोडोमेन क्या था वहाँ पे क्वेश्चन का, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये देखिए क्वेश्चन में कोडोमेन आर प्लस था आर स्टार, हाँ या ना, था कि नहीं? यस था सर। और आर आर स्टार का मतलब क्या था, लिखा हुआ है ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ऑल सॉरी नॉन जीरो रियल नंबर, आर स्टार का मतलब यही था आर माइनस जीरो। तो बताओ कि क्या यहाँ पे जो अपनी रेंज आई है क्या वो कोडोमेन के इक्वल है? हमारी रेंज ये निकली है, अरे आर स्टार क्या है भैया, आर स्टार का मतलब आर माइनस जीरो ही तो है, रियल नंबर। हाँ नॉन नेगेटिव रियल, नॉन जीरो रियल नंबर, क्या
नॉन जीरो रियल नंबर। तो लिखेंगे क्लियरली, स्पष्ट हो रहा है कि रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल है, मतलब आउटपुट के सारे लोग जितने बैठे आए हैं वो सब के सब पापा बन गए हैं, सबको माला पहना दी गई है, सब के सब पापा बन गए। सो वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो भैया वन वन भी है और साथ में क्या है, ऑन टू। ऑन टू तो ये फंक्शन कैसा हुआ अपना, वन वन भी हुआ और ऑन टू भी हुआ, हाँ या ना? यस सर। चलो ठीक है ना, तो ये अपने पास वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा, होगा ठीक है ना। चलिए तो ये पहला पार्ट हो गया। yes, अब दूसरा पार्ट इसमें बोला गया है इस क्वेश्चन में, पार्ट टू। पार्ट टू, पार्ट टू कह रहा है कि क्या होगा अगर, सॉरी पार्ट टू कह रहा है क्या होगा अगर मैं डोमेन आर प्लस इज रिप्लेस्ड बाई एन, कह रहा है कि अगर मैं डोमेन आर प्लस को एन से रिप्लेस्ड कर दूं नेचुरल नंबर से, मतलब क्या धमकी दे रहा है कि जो फंक्शन है पहले जा रहा था आर प्लस से लेके आर प्लस, सॉरी आर स्टार से लेके आर स्टार जा रहा था, पहले था ये पहले जा रहा था, अब धमकी दे रहा है इस क्वेश्चन को कि अगर इस क्वेश्चन को मैं डोमेन को नेचुरल नंबर से लेके आर प्लस कर दूं, बोलो यस और नो? यस सर। ओके भैया ठीक है, अच्छी बात है। अब नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है मेरे भाई, वन से, टू से, थ्री से। तो फंक्शन क्या है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स। तो ध्यान से देखना भैया, वन पे आउटपुट क्या मिलेगा, वन बाई टू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, नहीं मिलेगा, वन बाई वन मिलेगा, यानी वन अपॉन वन बाई वन मिलेगा ना, एक्स इक्वल टू वन है तो वन बाई वन। टू पे क्या मिलेगा, वन बाई टू मिलेगा, टू बाई टू क्यों मिलेगा, वन अपॉन एक्स है ना बेटा, तो वन अपॉन टू। थ्री पे क्या मिलेगा, वन बाई थ्री मिलेगा, वन बाई थ्री। हाँ तो अगर आप पॉजिटिव दोगे, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं तो पॉजिटिव के पॉजिटिव मिलेंगे है ना, मगर ऊपर जो कोडोमेन है, कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर की आर आर स्टार, आर स्टार है, तो ऊपर के पूरे नेगेटिव बेचारे बैठ के इंतजार करते रहेंगे माइनस इन्फिनिटी तक कि हमें हमारे साथ कोई पेयर कर जाए, मगर जब यहाँ नेचुरल नंबर है इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, तो क्या इनके साथ कोई पेयर करेगा कि नहीं करेगा? नो सर, नहीं भाई, फोर के साथ वन बाई फोर पेयर करेगा, तो नीचे तो सब पेयर होते जाएंगे, बोलो हाँ सर, बट ऊपर कोई पेयर नहीं करेगा, यस और नो? यस सर। हाँ तो कैसा फंक्शन हुआ, बोलो, वन वन हुआ कि नहीं हुआ? यस सर हुआ। बट क्या ऑन टू हुआ कि नहीं हुआ? यस सर ऑन टू। काहे को ऑन टू हुआ, ये सारे देखो ये बैठे हुए नौजवान पापा नहीं बन पाए, इनकी पेयरिंग नहीं हुई ना ऊपर वाले, बोलो बेटा। Yes, sir, नहीं हुआ, on हाँ, two, नहीं तो ऑन टू होगा क्या? कौन no. से वाले सर? अरे इधर वाले, राइट वाले, स्क्रीन पे रहो, राइट वाले देखो, ये जितने भी हैं ऊपर की तरफ, वन के ऊपर जाएंगे ना जो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो क्या उनके साथ पेयरिंग होगी, नहीं होगी ना? नो सर, नहीं होगी, क्योंकि इनपुट में आपने नेचुरल नंबर दिया, नेचुरल नंबर तो सारे पॉजिटिव होते हैं। सर डोमेन में नहीं बढ़ा सकते सर, डोमेन कैसे बढ़ा लोगे जब क्वेश्चन में नेचुरल नंबर दे के बैठा है, तो कैसे बढ़ा लोगे तुम, डोमेन तो पॉजिटिव होगी ना बेटा? यस सर। बोलो यस कि नो? यस सर। और डोमेन तो पॉजिटिव होगी, किसी ने मैसेज किया, क्या मैसेज आया भाई? सर बस दो मिनट के लिए क्लास लीव करी, ओके ठीक है। चलिए देखिए, डोमेन तो पॉजिटिव होगी बेटा, डोमेन पॉजिटिव होगी ना यहाँ पे, और बेटा फंक्शन क्या है, यश जय, y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स है, और जब तुम नेचुरल नंबर कुछ भी डालोगे x की जगह, तो नेचुरल नंबर बेटा पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। हाँ तो क्या हो रहा है, जो आपका फंक्शन है उसको कहाँ से डिफाइन किया है, नेचुरल नंबर से r स्टार, तो r स्टार में तो ऊपर माइनस इन्फिनिटी और नीचे प्लस इन्फिनिटी भी होगा, बट नेचुरल नंबर तो वन से स्टार्ट होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो वन का उल्टा वन अपॉन वन मिलेगा, टू का उल्टा वन अपॉन टू मिलेगा, थ्री का उल्टा वन अपॉन थ्री मिलेगा, बट क्या इनकी किसी के साथ जोड़ी बन पाएगी नेगेटिव वालों की?
नो सर नहीं बन पाएगी। जय बन पाएगी नहीं बन पाएगी? नो सर। हाँ क्योंकि निगेटिव इनपुट है ही नहीं तो नहीं बन पाएगी। तो बोलो ऑन टू हुआ कि नहीं हुआ? नो सर नहीं हुआ। समझ में आया? यस सर। हाँ तो ये वन वन तो होगा बट ऑन टू नहीं होगा। चलो अब करो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, टेढ़ा मेढ़ा। चलिए लिखिए पहला। हाँ इट इज़ गिवेन दैट फंक्शन आर स्टार इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स। सो वन वन के लिए क्या लेते हैं? दो इनपुट ले लेते हैं बेटा। एक काम करो, इसको मैंने सिखाया है एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू ले लो, मतलब वन अपॉन एक्स वन इक्वल टू वन अपॉन एक्स टू, इसका मतलब एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, सो एफ इज़ वन वन। नोट करो इतना। वन वन हो गया, एफ वन वन हो गया, ठीक है? यस सर। चलिए अब ऑन टू के लिए देखो बेटा, एफ एक्स इक्वल टू कितना है? वन अपॉन वाई है। वाई इज इक्वल टू कितना है? वन अपॉन एक्स है। बोलो हाँ। वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। अब इसके कई तरीके हैं, ये तरीका भी है। तो बेटा एक्स इक्वल टू कितना होगा? वन अपॉन वाई। बोलो यस। यस हाँ, एक्स इक्वल टू वन अपॉन वाई होगा। अब यश मेरे पास फंक्शन कितना है? मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स। यस और नो? हाँ। अब एक्स की जगह मैं डालता हूँ इनपुट, क्या है एक्स की जगह? वन अपॉन वाई। तो मैं पुट करता हूँ तो वन अपॉन वन बाई वाई, पलटी मार के वाई ऊपर आ गया कि नहीं आया? हाँ। मतलब क्या हुआ बेटा इसका? इसका मतलब हुआ हर x के लिए आंसर y मिल रहा है। बोलो यस और नो? यस सर। मतलब जितने x हैं उतने y हैं। इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू। क्लियर या नॉट क्लियर? यस सर क्लियर। ठीक ना, तो नोट करिए इसको भी। हर x के लिए y मिल रहा है, मतलब हर बच्चे का पापा यूनिकली एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये ऑन टू है। और आप मेरे तरीके से भी कर सकते हो, जो मैंने पीछे बताया उससे भी कर सकते हो। ठीक है ना, लिखो दस द गिवन फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू। ये एक एक क्वेश्चन लगाना पड़ेगा इस एक्सरसाइज का, तब आपको बनेगा ये चैप्टर। दस द गिवन फंक्शन इज वन वन ऑन टू। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट लिखो। जय लिख लिया यहां तक? जय हाँ, अगला लिखिए। नाउ कंसीडर द फंक्शन जी। जी इज डिफाइंड फ्रॉम कहाँ से? नेचुरल नंबर टू आर प्लस। लिखो बेटा, जी इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू आर प्लस। हाँ बेटा, नेचुरल नंबर टू आर प्लस। यशराज, तो जी एक्स वन जी एक्स टू दो पॉइंट ले लो। देखो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ रहा है, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया, मतलब जी वन वन हो गया। क्लियर? यस सर। लिखिए सो जी इज वन वन। मुस्कान, सो देयर फोर जी इज वन वन। हाँ जी वन वन हो गया। डन बोल दो भैया, लिख लिया हो तो। यस सर डन। जी हाँ बेटा, आराम से नोट करो और पूछो जहाँ पे दिक्कत हो। एक बार में ये चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया, आप डेफिनेटली झूठ बोल रहे हैं। हो नहीं सकता आपको ये चैप्टर एक बार में पूरा समझ में आ जाए। एक बार में कोई क्वेश्चन 100% डाउट होना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो जहाँ पे डाउट आए खुल के पूछिए, तभी सॉल्व होगा कि सर ये क्यों हो रहा है, तभी आपका चैप्टर आपको क्लियर बनेगा। यस सर रिटर्न। यस, तो जी वन वन हो गया।
हाँ अब देखो कोई भी एग्जांपल ले लो। अब देखो क्या कह रहा है कि जो फंक्शन है आर स्टार से लेकर के एन तक है, सॉरी एन से आर स्टार, एन से आर स्टार मतलब नेचुरल नंबर से लेकर के यहाँ क्या ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर का कोई भी पॉइंट ले लो आप, नेचुरल नंबर का आप कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज 1.5, 1.5 ले लिया आपने, ठीक है ना, 1.5 ले लिया। सर रैंडमली कोई भी ले सकते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए जो फंक्शन है, वैसे मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको, एक बार फिर से मैं आगे बताता हूँ, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। हाँ कह रहा है कि फंक्शन एन से आर स्टार क्या ऑन टू होगा कि नहीं होगा, एन से आर स्टार ऑन टू होगा कि नहीं होगा, ये आपको बोल रहे हैं। अब जय सवाल का मेरे जवाब देना, जय ये बताओ आर स्टार के अंदर कहीं पर 3 बैठा होगा कि नहीं बैठा होगा। आर स्टार का मतलब नॉन नॉन जीरो रियल नंबर, आर स्टार के अंदर 3 बैठा होगा कि नहीं बैठा होगा, यस सर बैठा होगा कि नहीं बैठा होगा। मुस्कान आर स्टार के अंदर 3 बैठा होगा कि नहीं बैठा होगा, बैठा होगा चलो सर। भाई फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर से लिख दिया मैंने फिर से। चलो ये देखो ये नेचुरल नंबर की पार्टी है और ये आर स्टार की पार्टी है, मतलब जीरो को छोड़ के सब कुछ। तो नेचुरल नंबर में ये होता है ऊपर प्लस इन्फिनिटी, नीचे मान लो माइनस इन्फिनिटी, और आर स्टार में कहीं ना कहीं 3 बैठा होगा। बोलो हाँ बोलो, यस यस सर। ओके। 3 किसकी वैल्यू होगी बेटा, एक्स की वाई की, बोलो भगवान। वाई हाँ वेरी गुड बेटा, और वाई इज इक्वल टू 1/x है, मतलब वाई इक्वल टू 3 है। अब जय थोड़ा दिमाग लगा कि प्लीज बताओ कि अगर आउटपुट में 3 प्रोड्यूस करना है तो बेटा इनपुट में क्या रखना पड़ा रहा होगा, तो आउटपुट में 3 आएगा, एक्स क्या देना पड़ा रहा होगा। वन बाई थ्री क्या बात है, मजा आ गया भाई। एक्स बिल्कुल सही, 1/x इक्वल टू 1/3, 3 पुट कर दिया तो x इक्वल टू 1/3, बिल्कुल सही बात है भैया। फंक्शन क्या है, फंक्शन है जो मेरे को दोगे मैं उसको उल्टा करके धर दूंगा, तो 1/ अगर 1/3 दोगे तो 3 को पलट करके ये 3 देगा आपको, तो 3 देने के लिए आपको इनपुट में 1/3 लेना पड़ेगा। अब मेरे को बताओ यशराज कि नेचुरल नंबर में क्या 1/3 आता है कि नहीं आता। नो सर। नो, नेचुरल नंबर तो 1, 2, 3 होते हैं पूरे पूरे, तो नेचुरल नंबर में वन यस बाई थ्री आता नहीं, मतलब 1/3 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। बोलो हाँ नंबर, यस सर। मतलब थ्री, यस सर। थ्री ऐसे बच्चे का पापा है, थ्री ऐसे बच्चे का पापा जिस बच्चे का नाम है 1/3, और 1/3 जो बच्चा वो नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है, मतलब 1/3 ऐसा है जो होता ही नहीं है, मतलब ये आउटपुट में तो बैठा होगा मगर इसका इनपुट एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं आया। यस सर आ गया। तो अब बोलो, तो 1/3 एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, तो क्या इसकी जोड़ी किसी के साथ बनेगी, इसकी जोड़ी किसी के साथ बनेगी, नहीं बनेगी, तो बताओ ऑन टू होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा सर। नहीं होगा, सो इट इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ बट अगर मैं ये रियल नंबर कर देता तो 3 के लिए 1/3 चाहना पड़ता, तो रियल नंबर में तो दुनिया के सारे नंबर होते हैं ना, तब तो 1/3 एग्जिस्ट करता कि नहीं करता। यस सर। हाँ तब ये क्या हो जाता, तब ये ऑन टू हो जाता, बट ये अभी ऑन टू नहीं होगा। चलो पढ़ो बेटा इसको। हाँ मुस्कान क्लियर हुआ कि उड़ गया। सर क्लियर हो रहा है। ओके फिर से मुस्कान, फिर से बोल रहा हूँ, देखो बोल रहा हूँ देखो। यस इट इज क्लियर दैट जी इज नॉट ऑन टू एज फॉर 1.2 बिलोंग्स टू आर। बेटा 1.2 जो होगा वो इसमें तो होगा मगर इसके लिए यहाँ पर इसकी कोई जोड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि 1.2 के लिए जो इसका जोड़ीदार यहाँ पे इसका जो बेटा होना था वो 1/1.2 होना था,
बट 1/1.2 तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो बताओ ऑन टू होगा कि नहीं होगा? ऑन टू होगा कि नहीं होगा? नो सर, नो होगा। वन वन होगा कि नहीं होगा? हैंस एफ फंक्शन जी इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो बड़ा लड़ झगड़ करके इस क्वेश्चन के साथ आपको करना पड़ेगा। देखिए 6:52 हो गए हैं, केवल एक क्लास एक क्वेश्चन अपन ने करवा पाए हैं आज, मतलब इसमें बहुत टाइम लगने वाला है बच्चों। एक एक क्वेश्चन बड़ा इत्मीनान से करना है। अब आइए देखते हैं, बातों बातों में पूछते हैं। चेक द इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी का मतलब यशराज क्या होता है, बोलो बेटा? इंजेक्टिव मतलब ऑन टू, वन वन, वन वन। इंजेक्टिव मतलब वन वन, और सर्जेक्टिव मतलब सारे। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। हाँ, तो इसमें इंजेक्टिविटी चेक करना है, सर्जेक्टिविटी चेक करना है। चल भैया, पहला है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, बताना है यशराज। नेचुरल टू नेचुरल, नेचुरल टू नेचुरल। फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ध्यान से भैया, तो बताओ पहले वन वन होगा कि नहीं होगा? नहीं सर, वन वन कैसे होगा? वन वन होगा, वन वन होगा। हाँ, वन वन होगा। वन का आउटपुट क्या मिलेगा? अब वन डालोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? वन का स्क्वायर वन। टू डालोगे तो क्या मिलेगा? फोर। थ्री डालोगे तो क्या मिलेगा? सिक्स। फाइव क्या मिलेगा भैया? नाइन। नाइन। तीन का स्क्वायर नाइन। हो गया। अब यशराज तुम माइक ऑफ करो। हाँ भैया जय आ जाओ मैदान पे। जय। यस सर। हाँ चलो, वन वन तो हो गया, क्या ऑन टू होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। अच्छा, क्यों होगा भैया ऑन टू? क्योंकि यहाँ सारे शेड कर दिए मैंने, इसलिए। यस सर। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। जय ये बताओ, मैंने नेचुरल नंबर में अपने काम के केवल 149 लिखे हैं, क्या नेचुरल नंबर में 2 नहीं आएगा कहीं? आएगा सर। अच्छा, तो 2 के लिए इसकी पेयरिंग यहाँ पे किसी के साथ होनी थी अगर ऑन टू होता तो। तो 2 किसका स्क्वायर प्रोड्यूस करेगा? किसका स्क्वायर 2 होगा? अंडर रूट 2 का। वेरी गुड बेटा, रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा। मगर ध्यान से देखो, क्या अंडर रूट 2 नेचुरल नंबर में होगा? क्योंकि ये सेट तो नेचुरल नंबर का है। क्या अंडर रूट 2 नेचुरल नंबर होता है कि नहीं होता? नहीं होता सर। हाँ, मतलब क्या यहाँ अंडर रूट 2 हो सकता है? नो सर। मतलब अंडर रूट 2 तो नहीं होगा, बट 2 होगा, 3 भी होगा। 4 की तो जोड़ी बन गई, 3 की नहीं बनेगी, 5 की नहीं बनेगी, 6 की नहीं बनेगी। तो ये सारे के सारे बराती बन के रह गए, पापा नहीं बने ये, समझ गए? यस सर। हाँ, तो बताओ ऑन टू की नॉट ऑन टू? ऑन टू। हैं, फिर से बोलो। नहीं है सर। हाँ, नॉट ऑन टू बोल दो। और नॉट ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव की नॉट सर्जेक्टिव? बोल भाई। नॉन सर्जेक्टिव। हाँ, ऐसे बोलो ना कि सर सर्जेक्टिव नहीं है। तो पहले वाले का आंसर पढ़ दो यशराज। इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। चलिए, तो ये एक्सरसाइज पूरी आपको लाना है करके कॉन्फिडेंस के। भैया तोते उड़े हुए हैं आप लोगों के, लिटरली तोते उड़े हुए हैं कॉन्फिडेंस के इस चैप्टर में, समझ गए ना? धज्जियाँ उड़ी हुई कॉन्फिडेंस की, इसको अच्छे से कर लो। और एक बार मैं तुमको फिर से बता देता हूँ भाई, ये बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है, क्योंकि इसको पढ़ाने में एक एक लाइन एक्सप्लेन करनी पड़ती है मेरे भाई, और 90% बच्चों को ये चैप्टर समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसको पढ़ाने में एक एक लाइन बतानी पड़ती है, और इसमें बहुत दांव पेच लगे हैं हर पॉइंट पे, कहीं नेचुरल नंबर, कहीं रियल नंबर, मतलब क्लास 9 से लेकर के पूरी जमाने भर की पढ़ाई लगती है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका एक भी क्वेश्चन ना छोड़िए। आता ज़्यादा नहीं है एग्ज़ाम में, 5 नंबर का आना है ये पेपर में, ये 5 नंबर का एग्ज़ाम में आना है। मतलब आपके हाथ में इस 80 मार्क्स का पेपर है, 80 में से ये केवल 5 का आएगा, बट अगर आपने इसकी तैयारी कर ली तो वो 5 के 5 पूरे मिल जाएंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, 1, 2, 3 भी नहीं मिलेंगे इसमें आपको, ठीक ना? मतलब जिस तरीके के इसके मार्क्स हैं कंपेरेटिवली, उससे ज़्यादा मेहनत वाला चैप्टर है ये। तो ये चैप्टर लोगों को गंदा लगता, अच्छा नहीं लगता बच्चों को, है ना? मुझे भी अच्छा नहीं लगता, परंतु आप यदि इसकी प्रैक्टिस करोगे
तो इस पे कमांड आ जाएगा। जैसे याद करो 10th क्लास का एक चैप्टर था पहला नंबर यूक्लिड वाला, रियल नंबर, रियल नंबर। तो वो यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड लेमा जो लगाते थे आप लोग, तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना किसी को पसंद नहीं होता था। उसको एग्ज़ाम के एक रात पहले पढ़ के जाओ, अगले दिन एग्ज़ाम हाल तक याद रहता था, और घर आओ तो फिर भूल जाता था। वो ऐसा चैप्टर था। तो वो ये उसी कैटेगरी का चैप्टर है, इसके आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन करो और जब तक आपसे नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। यस सर। एक मिनट, चलो दूसरा क्वेश्चन हो जाए, अभी 3 मिनट है। चलिए बताइए, एफ जेड 28 गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बोलो 1 1 है कि नहीं है? जेड का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीजर भाई साहब, इंटीजर। यस सर। बोलो 1 1 है कि नहीं है? 1 1 है कि मैनी 1 है? 1 1 तो है, 1 1 तो होगा। अरे भैया तुमने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। अरे मैनी 1 भी होगा सर, क्योंकि उसमें नेगेटिव भी रहता है ना। चलो देखो, अगर स्क्वायर है, fx इक्वल टू x स्क्वायर है, बोलो हाँ। यस सर। हाँ भैया, x की वैल्यू +1 डालो, बोलो पापा का नाम, बोलो +1। हाँ, -1 के पापा का नाम बोलो। +1। समझ में आया? बोलो कैसा हुआ, 1 1 हुआ कि मैनी 1? मैनी 1। तो है मैनी 1। अब देखते हैं ऑन 2 है कि नहीं है। ऑन 2 क्या कंडीशन है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। क्या -1 जो होगा, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो -1 भी पक्का कहीं ना कहीं बैठा होगा। बट दुनिया का कोई इंटीजर है जिसका स्क्वायर -1 हो? -1 का बच्चा कौन बनेगा? कौन है जो -1 प्रोड्यूस करेगा? है कोई? No, है कौन भैया? No, sir. कोई है जो -1 प्रोड्यूस करे? यशराज जय? No, sir. No. No, sir. तो भैया मतलब -1 की बारात ही नहीं निकलेगी, -1 बेचारा बैठा रहेगा। समझ गए ना? क्लियर हुआ? Yes, ये केवल बैठा रहेगा। तो बोलो 1 1 हुआ कि नहीं हुआ? सर मैनी 1 हुआ ना? हाँ, तो 1 1 हुआ कि नहीं हुआ? अरे -1 हुआ भाई, तो मैं पूछ रहा हूँ 1 1 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, नो तो लिखो नो, क्योंकि क्वेश्चन ने 1 1 पूछा है ना। हाँ, अब मतलब क्वेश्चन ने क्या बोला? इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब 1 1, तो इंजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? बोलो नो। अच्छा बोलो, सर्जेक्टिव सारे पापा बने कि नहीं बने? यस सर। हाँ यस, कहाँ बना दिया पापा? -1 किसका पापा बन गया, बता दे भाई। बता भैया यशराज, -1 किसका पापा बनेगा? नहीं बना सर। तो सर्जेक्टिव यानी सारे पापा बने, sur सर माने सारे पापा बने। नो नहीं बने सर। तो भैया ना इंजेक्टिव है और ना सर्जेक्टिव है, हाँ या ना? यस सर। देखो यशराज आंसर पढ़ो। यस सर। पढ़ो। फंक्शन एफ इज नीदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव। हाँ भैया बहुत बढ़िया। चलो अब अगली बात, अब पूछ रहा हूँ, अब गलत नहीं करना है। चलो लास्ट क्वेश्चन, डोमेन भी आर, को डोमेन भी आर, ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर। चलिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बोलो 1 1 है? 1 1 है? नो सर। नो क्यों? रीजन दो। नो सर। रीजन दो सर। रीजन इसलिए है कि जैसे मतलब 1 का तो 1 हो जाएगा। वेरी गुड। बट सर 2 के लिए मतलब 2 के लिए 4 हो जाएगा, बट यहां मतलब 4 डोमेन के साइड 2 और 3 के लिए कोई नहीं है। ए भगवान, मैं पूछ रहा हूं तुमसे 1 1 पूछ रहा हूं अभी मैं। अभी मैंने 1 1 पूछा आपसे, ये आप मेरे को ऑन 2 बताने लग गए। भैया 1 1 का जवाब +1 का स्क्वायर क्या बनेगा? 1 बनेगा। यस सर। और -1 का स्क्वायर भी क्या बनेगा? +1 बनेगा। +1 बनेगा। हाँ, तो 1 1 हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर, 1 1 नहीं हुआ। हाँ, many one है ये देना था जवाब, many one। चलिए अब बताइए ऑन 2 है कि नहीं है? ऑन 2 मतलब सारे पापा बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं सर। क्यों? नहीं सर। क्यों? रीजन दो सर। वही जो मैंने अभी रीजन दिया था। फिर से बोलो। मतलब सर यहाँ पे 3 है, तो 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, यही ना? नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं होता भैया? 3 किसी का स्क्वायर, √3 का होता तो है।
यस सर बोलो। बनेगा अरे सर बट वो रूट थ्री तो रूट थ्री तो नेचुरल नंबर में हाँ रियल में होता है रूट थ्री। हाँ, काका तो रियल लिखा है अब वो फंडा नहीं चलेगा। नेचुरल नंबर नहीं है कि रूट थ्री ना ले सको, रियल नंबर की फैमिली का मेंबर है रूट थ्री। तो बताओ दूसरी बात, ऑन टू होगा कि नहीं होगा? होगा सर। नहीं होगा अभी भी। अब क्यों नहीं होगा ऑन टू? चलो रियल नंबर में ये बताओ माइनस वन आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अब माइनस वन किस रियल नंबर का स्क्वायर होता है? कोई नंबर जिसका स्क्वायर माइनस वन हो? नो सर। तो माइनस वन क्या बन के रह गया, बराती या पापा? बराती। हाँ बराती बन के रह गया, माइनस वन पापा नहीं बन पाया, इसलिए कैसा होगा ऑन टू होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ तो बताओ कैसा हुआ ये, इंजेक्टिव हुआ कि ना रहा? इंजेक्टिव था कि नहीं? नहीं सर। नहीं। और सर्जेक्टिव? यस सर। काय को यस? ये भी नहीं। क्या हो गया, सो गए क्या भैया? फिर सर्जेक्टिव यार माइनस वन किसका स्क्वायर बनेगा बता भाई? नहीं होगा। तो नहीं होगा, सर्जेक्टिव भी नहीं होगा, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। आंसर चेक करो बेटा, पढ़ो यशराज। एफ एक्स इक्वल टू दिस। हाँ बट पढ़ो। Hence function f is neither injective nor surjective. Clear? Yes sir. हाँ मुस्कान आज मैंने आपसे सवाल नहीं करे क्योंकि पूरी voice reflect होकर मेरे पास आ रही थी। Yes sir. समझ में आपको? समझ में आपको? Yes sir. चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं और कल सभी का होमवर्क है ये कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2। Yes sir. Yes. 1.1 सबने कर लिया, 1.2 करके लाना। Yes sir. Yes. Yes sir. Thank you. Bye bye students. Bye bye. Thank you sir. Thank you बच्चों। Bye sir. Bye बेटा।